तो सबसे पहले कैश बुक कैश बुक के अंदर सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ठीक है परचेज बुक बुक के अंदर सारे क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होते हैं ठीक है गुड्स मतलब वही गुड्स जो हम बेचने के लिए खरीदे हैं वो एसेट की बात नहीं कर रहा है ठीक है वो सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं सेल्स सेल्स बुक के अंदर हम सारे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न के हम सारे परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न में हम सारे सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिल्स रिसेबल बुक में हम बिल रिसेबल रिकॉर्ड करते हैं जो बिल एक्सेप्ट किए हैं कस्टमर ने और बाद में हमको पेमेंट करेंगे बिल्स पेपर में जो हमने एक्सेप्ट किए और हम बाद में पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री होती है और जनरल प्रॉपर में ऊपर जो ट्रांजेक्शन ऊपर कवर नहीं हुए वो सारे आ जाते हैं जनरल प्रॉपर में जैसे फिक्स एसेट्स हो गया ठीक है तो ये सब आ जाता है जनरल प्रॉपर में ठीक है अब देखो ये देखो लिखा है एग्जाम्पल में परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट एक्सपेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, एंट्री एं� ये कुछ कैटेगरीज है एंट्री की तो जर्नल प्रॉपर के अंदर आती है बोलो इतनी बात समझ में yes. अब रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ठीक है तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वी ऑल नो ठीक है यहाँ पर सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो हमसे पूछ रहे हैं क्या कैश बुक जर्नल है या लेजर है तो कैश बुक दोनों है क्यों दोनों है क्योंकि वो एक तो सबसे पहली बात पहला सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होता है तो इसलिए वो जर्नल है और क्योंकि वो लेजर के जैसे दिखता है इसलिए वो लेजर है ठीक है तो वो जनरल भी है लेजर भी है ठीक है इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोल रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक बना के दिखाओ मिस्टर वाई का ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 अप्रैल 2015 ठीक है बना देते हैं तो कैश बुक का फॉर्मेट सबसे पहले होता है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट सिंगल कॉलम बोला है ना इसलिए सिंगल कॉलम बना रहा हूँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर में लिख लो कैश बुक ठीक है ये देख। ऐसी कैश बुक तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है बैलेंस जो मेरे पास पहले से बैलेंस है वो है पांच हजार का अब कैश कैश बुक कौन सा अकाउंट है कैश कौन सा अकाउंट है एसेट है एसेट मतलब एसेट है की लाइबिलिटी है एसेट है तो एसेट के ओपनिंग बैलेंस आते हैं डेबिट साइड तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन पांच हजार का बैलेंस आया दो हजार पांच एक अप्रैल को दो सॉरी दो हजार अप्रैल को ठीक है फिर चार तारीख को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कैश बुक में आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा ओनली कैश ट्रांजेक्शन छह तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश एक हजार आएगा जनरल एंट्री क्या होती है इसकी हाँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स छह तारीख को कितने की सेल्स से है एक हजार की एक हजार रुपए ठीक है फिर उसके बाद बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं आएगा पेड टू मिस्टर पी फॉर दो हजार एंड रिसीव डिस्काउंट दो सौ आएगा हाँ दो हजार की पेमेंट हुई है पी को बारह तारीख को दो हजार पंद्रह अप्रैल बारह तारीख को बाय पी दो हजार की पेमेंट हुई है इसको ठीक है फिर उसके बाद रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी आठ सौ रुपए तो ये आएगी एंट्री बोलो नहीं आएगी गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड नहीं जेड सेटल इज अकाउंट फॉर दो हजार पांच सौ आएगा हाँ तो टू जेड दो हजार पांच सौ में अपना अकाउंट सेटल कर दिया तारीख को किया है पच्चीस तारीख को ठीक पेड सैलरी बाय चेक एक हजार आएगा नहीं क्योंकि बैंक कॉलम नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा ठीक है और रिसीव इंटरेस्ट एक हजार रूपए हाँ। अब देखो अगर हम लोग इसको मान रहे हैं अगर कैश में रिसीव हुआ है तो आएगा पर अगर मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट बैंक में रिसीव होता है तब फिर नहीं आएगा है ना क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट बैंक में रिसीव होता है कैश में तो जाली वाला काम होता है जाली वाला है ना बुक क्या किया है तुम्हारा बुक तुम्हारे बुक में सोल्यूशन दिया होगा चलो तो इफ वी कंसिडर की कैश में रिसीव हुआ है तो आएगा क्या कंसिडर किया है हाँ तो वही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग कैश है कि बैंक है तो वी आर एज्यूमिंग इट कैश पर अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो इंटरेस्ट बैंक में मिलता है किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा हो लोन वोन किसी का भी ठीक है चलो टू इंटरेस्ट एक हज़ार तारीख को तीस तारीख को ठीक है तो अब इसका कुछ बैलेंस आ जाएगा कितना आ रहा है बैलेंस 25, ये इसका बैलेंस अकाउंट हो गया क्लोज क्लोज ठीक है समझ में आया बस ये तो मजाक ही था तो ये बनी हमारी कैश बुक टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप की होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश कॉलम होता है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम डिस्काउंट कॉलम तीनों होता है ठीक है दोनों साइड दोनों साइड ना फिर मल्टीपल कॉलम कैश बुक जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं काहे के कॉलम होते हैं हमको नहीं पता पर मल्टीपल होते हैं और पेटी कैश बुक छुटुर पुटुर खर्चे वाले कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस वाले कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है रिफ्रेशमेंट ट्रेवलिंग पोस्टेज ठीक है ये सब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना उसको पेटी एक्सपेंस बोलते हैं तो उसके लिए अलग कैश बुक बनाई जाती है इसको पेटी एक्सपेंसेस कैश बुक बोलते हैं पेटी कैश बुक ठीक है ये सब के फॉर्मेट दिए हैं ये देखो यहाँ सिर्फ कैश कॉलम है यहाँ पर कैश और डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया है डबल कॉलम कैश बुक में ये डिस्काउंट डाल दिया है डिस्काउंट नहीं होता है बैंक होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों होता है ठीक है बोलो हाँ यस इज द कैश बुक का जनरल और रेजर बोथ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है जहां पर हमको पता है आ, जो कैश बुक है उसके कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में डाले और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैश बुक के डेबिट क्रेडिट दोनों में इंपैक्ट डालेंगे बोलो यस कैश इन बैंक की एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक की एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक है

रिसीव बोल रहा है अगर चेक रिसीव होगा और नो नो एनी अदर इंफॉर्मेशन एट लेटर डेट अबाउट द सेम इज गिवेन इट वॉज सेट चेक बोल रहा है अगर चेक रिसीव हुआ और तुमको क्वेश्चन में दिया रहा जैसे मान लो मिला है रिसीव चेक फ्रॉम राम ये लिखा है और फिर लिखा है राम चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक

ठीक है मतलब वो बोल रहा है अगर तुमको लेटर ऑन डेट में चेक डिपॉजिट हुआ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम यही मान लेना कि चेक उसी दिन डिपॉजिट हुआ है ठीक है वही बात बोल रहे हैं तुम ये मान लेना चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया hmm. ये हो गया इलास्टेशन नंबर एट हाँ अच्छा ये पूरा दिया हुआ है क्या क्या बनाना क्या है एंट्री पास करनी होगी ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस अच्छा कैश बुक बनाना है डबल कॉलम लो बना लो डबल कॉलम कैश बुक बनाओ इसका मैं भी बनाता हूँ साइड बाय साइड तुम लोग भी बनाओ चलो एट मल्टीकुलर्स कैश बैंक ठीक है तो क्या डेट है आ, एक जनवरी सत्ताईस पाँच सौ बैंक में है तीन हजार आठ सौ कैश में एक जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सत्ताईस हजार पाँच सौ बैंक में है तीन हजार आठ सौ कैश में ये हुआ है ओपनिंग बैलेंस ठीक है फिर उसके बाद बोल रहा है चार जनवरी को वेजेस पेड इन कैश पंद्रह सौ Wages, फिर उसके बाद पाँच तारीख को रिसीव चेक उन्नीस आठ सौ फ्रॉम के बी के एंटरप्राइज आफ्टर लंची डिस्काउंट हजार पाँच सौ डिसऑनर नहीं तो आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो इसी दिन मान लूंगा डिपॉजिट हो गया तो रिसीव अ चेक ऑफ उन्नीस हजार आठ सौ फ्रॉम के बी के एंटरप्राइज पाँच तारीख को टू के बी के एंटरप्राइज डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन नहीं तो मान लूंगा उससे पांच सौ सात तारीख को बाय कंसल्टेंसी सात हजार पांच सौ पेड फिर कैश ऑफ दो हजार पांच सौ विद्रॉ फ्रॉम बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ये हुई कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा कॉन्ट्रासी लिख देना ना CC और कितने तारीख 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 की की है ओके okay. उसके बाद है रिसीव चेक और चेक ऑफ चार हजार पांच सौ फुल सेटलमेंट ऑफ दिस्टर बैंक चार हजार पांच सौ का चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट भी हो गया तो बारह तारीख को टू एक्स चार हजार पाँच सौ का मिला चेक फिर बोल रहा है एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर बैंक पंद्रह तारीख को पंद्रह तारीख को बाय एक्स चार हजार पाँच सौ तो का चेक डिसऑनर हो गया तो फिर से उसको डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे चार हजार पाँच सौ क्लियर हुआ तुम लोग का हो गया हेलो हाँ भैया हो गया

तो। खत्म ठीक है समझ में आया बात तो बेसिकली ये क्वेश्चन तुमको दिया था एंट्री सिखाने के लिए ठीक है भैया हाँ हाँ। हाँ। ठीक ठीक फिर उसके बाद है परचेज डे बुक परचेज बुक का फॉर्मेट देखो डायरेक्ट परचेज बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है सबसे पहले मेरे को बताओ में, बता। purchase book में record क्या होता है क्रेडिट बोलो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कैश परचेज को इग्नोर मारना चलो

तो देखो यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर नाइन दिया है इसको हम करते हैं सॉल्व तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं लिखता हूं में आता है देखो तो ये है मेरा यहाँ में लिखते जाता हूँ डेट पर्टिकुल वॉइस नंबर फोलियो Amount, amount. Amount के दो कॉलम डालना है कैलकुलेशन वाला अमाउंट और एक फाइनल वाला अमाउंट ठीक है एक इनर कॉलम बेसिकली और एक आउटर कॉलम ये हम लोग क्लास इलेवेंथ में फॉर्मेट बनाते थे ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कुछ है नहीं परचेज बुक का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बस वो है चलो देखते जो हैं। आ रहा। देखो बॉट ट्वेंटी टेबल्स ऑफ पांच सौ पर टेबल फ्रॉम एम एम अप्लायंस ऑन क्रेडिट आएगा हाँ आएगा हाँ, हाँ क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो आएगा तो एम MM एम अप्लायंस कितने तारीख को है एक तारीख को डेट वन फ्रॉम सेकेंड मार्च है एम एम सेकेंड मार्च है अच्छा मेरे में डेट नहीं लिखी है मेरे में तो डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है सीरियल नंबर अच्छा हाँ क्वेश्चन के एंडिंग नहीं अच्छा अच्छा एट द रेट बारह परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर टू टू थ्री 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 ऑन सेकेंड मार्च हाँ ठीक है सेकेंड मार्च फ्रॉम एमएम एम अब पर्टिकुलर्स लिखना है पर्टिकुलर्स में है ट्वेंटी टेबल्स फाइव पर टेबल्स एट द रेट फाइव हंड्रेड पर टेबल ठीक है तो कितना हुआ फाइव टू या टेन थाउजेंड एक लाख हुआ 10, एक लाख हुआ ना दस हजार दस हजार ठीक है और फिर उसके बाद बोल रहा है बारह परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पर लिखेंगे लेस ट्वेल्व परसेंट ट्रेड डिस्काउंट तो बारह परसेंट कितना होता है इसका बारह सौ बारह सौ तो ये कितना आ गया एट थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक फिर उसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज थ्री डजन चेयर एट द रेट टू फिफ्टी इच फ्रॉम मेट्रो चेयर्स एज पर इनवॉइस नंबर वन 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 टू ऑन चार मार्च ठीक है चार मार्च इससे परचेज किए मेट्रो फ्रॉम Metro chairs, क्या की है? तीन दर्जन था? 36 36. Chairs at the rate 250 each. ठीक और कोई ट्रेड था नहीं। invoice number 1112 है और इसका था इन वॉयस नंबर टू टू थ्री थ्री फोर ठीक है कितना ढाई सौ नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिर उसके बाद सेकंड फर्नीचर बॉट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट एज एज पर नंबर मार्च को आएगा मार्च हाँ. परचेज हुआ गोल्डन फर्नीचर्स फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर्स फ्रॉम गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन फर्नीचर्स क्या परचेज हुआ

ये कहा जाएगा ये वाला ट्रांजेक्शन कहा जाएगा लेकिन कैश बुक कैश में परचेज किया है नहीं कैश में परचेज नहीं है General जर्नल प्रॉपर जर्नल प्रॉपर में जाएगा ठीक है और ये वाला जाएगा कैश बुक ठीक है तो अब इसका टोटल लगा दो कितना अठारह सौ उन्नीस सौ उन्नीस हजार हाँ 1900, आया टोटल परचेजेस टोटल क्रेडिट परचेजेस टू बी ट्रांसफर टू परचेजेस अकाउंट ठीक है समझ में आया क्या परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न का फॉर्मेट भी।, भी सेम होता है परचेज रिटर्न का फॉर्मेट भी ऐसी सेम रहता है एकदम फिर उसके बाद है सेल्स बुक सेल्स बुक में क्या होता है क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है ठीक है और और आ, uh, क्या लिखा है विल नॉट बी एंटर इन द सेल्स बुक बट विल बी एंटर आ, अच्छा वो के बारे में दिया एसेट के बारे में इसका फॉर्मेट देखो डेट है पर्टिकुलर से इनवॉइस है लेजर फोलियो अमाउंट रिमार्क सेम कॉल सेम है सेम ठीक है इलास्ट्रेशन नंबर टेन करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर टेन एक काम करो तुम लोग बनाओ फिर उसके मैं बनाता हूँ जल्दी तो ड्रिंक्स ब्रेक ले लूँ बहुत गर्मी भी हो रही इधर लाइट को इस कारण चलो अब मैं भी करता हूँ एकदम फास्ट फास्ट बन गया ना वैसे ही तो हुआ सेम है ना ठीक है ठीक है चलो तो हो ही गया अब देखो रिटर्न इनवर्ट बुक और रिटर्न इनवर्ट डे बुक ठीक और रिटर्न बुक बुक दिया दिया बिल्स रिसीवेबल है उसके बाद बिल्स पेबल बुक का मीनिंग मीनिंग दिया है और ये देखो ये तुमको भर भर के ये देखो फॉर्मेट दिया हुआ है इसका बिल्स रिसीवेबल डे बुक का और बिल्स रिसीवेबल बुक का बिल्स पेबल सॉरी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक का

किंग ऑफ ऑल बुक ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री ठीक है क्यों क्योंकि लेजर से ही फाइनल अकाउंट्स बनते हैं इसलिए ठीक है अब स्पेसिमेंट दिया हुआ है डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट यूनिवर्सल फॉर्मेट है कोई भी लेजर बनाओ क्योंकि लेजर इज अकाउंट तो कोई भी लेजर बनाओ ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेबिट क्रेडिट होता है इस साइड डेबिट होता है ये देखो इस साइड क्रेडिट होता है डेट डेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट बात खत्म ठीक लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल्स को देख के लेजर की पोस्टिंग करते हैं जैसे कैश अकाउंट बना है और जर्नल एंट्री में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट तो कैश अकाउंट में लेजर में जाएंगे उसमें कैश अकाउंट रहेगा उसमें जाएंगे डेबिट साइड लिख देंगे टू कैपिटल ऐसे पोस्टिंग करते हैं पोस्टिंग तो तुमको पता ही है ना हाँ कुछ रूल्स बोल रहा है कि एसेट अगर बढ़ता है तो लेफ्ट साइड लिखा है घटता है तो राइट right साइड लिखाता है बताओ ये बताने की जरूरत है लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड घटती है तो डेबिट साइड कैपिटल सेम एज लाइबिलिटी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट घटता है तो क्रेडिट इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट घटता है तो डेबिट ये सब तो भाई वो रूल्स ही बता रहा है नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का है ना दीज आर द रूल्स है ना बोलो yes. देखो अब डेबिट नोट क्या होता है देखना

हाँ, तो वैसे ही बोल रहा है कि यहाँ पर भी अगर वो पर्सन फिर हमको है, तो हम उसको डेबिट करते हैं अब देखो केस ऑफ अ गुड और प्रॉपर्टी डेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सच गुड और इंक्रीज रिलेटिंग टू रियल अकाउंट ठीक है और केस ऑफ अदर अकाउंट्स लाइक लॉस एंड सर्लटेन एक्सपेंसेस और हैज लॉस्ट मनी रिलेटिंग टू नॉमिनल अकाउंट

Then, वो पर्सन क्रेडिट होगा जैसे हमारा क्रेडिटर क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करते हैं है ना? तो हम लोग इसलिए ऑलरेडी पढ़ चुके पोस्टिंग बता रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश लिखाता है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट लिखाता है ये तो हमको पता है पोस्टिंग कैसे करते हैं है ना रेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कैश आता है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रेंट आता है है ना हाँ भैया अब बोल रहा है हैं नंबर इलेवन में कि हम लोग इलास्टेशन नंबर फोर में जो जनरल एंट्री पास किए थे उसके अकाउंट बना के दिखाओ चलो बनाते कितने अकाउंट बनेंगे सबसे पहले ये देखो तो सबसे पहले कैश अकाउंट तो बनेगा ही कैश उसके बाद एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा पीपी नेशनल बैंक अकाउंट बनेगा रेंट अकाउंट बनेगा और मेसर्स रियलेटर प्रॉपर्टी वाउचर नंबर इसका अकाउंट बनेगा मेसर्स रियलेटर्स प्रॉपर्टी का मोटर कार का अकाउंट बनेगा मिलेनम मोटर्स का अकाउंट बनेगा एचएच बैंक का अकाउंट बनेगा लोन का अकाउंट ठीक है और ए फार्मास्यूटिकल्स का अकाउंट बनेगा और सैलरी अकाउंट होमवर्क तो रहेगा तुम्हारे बुक में बात है सोल्यूशन दिया होगा तो तुम देख लेना क्योंकि ये चीज ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा हमारा इसको बनाने में तो हम सिर्फ कैश अकाउंट बनाते हैं ठीक है क्या होता है फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट जनरल फोलियो जनरल फोलियो ठीक है तो बताओ कैश की कितनी एंट्री थी तुम लोग अपने कॉपी में खोल लो तुम लोग तुम ही लोग एंट्री पास किए थे मैं तो ओरली बोला था तो कैश की कितनी एंट्रीयां हैं बताओ बोलो 3000 शायद कैश टू कैश टू विकास कैपिटल टू ठीक है तो कैश उंट डेबिट हुआ टू विकास और टू वैभ के नाम से अमाउंटी फाइव लैख और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक फिर फर्नीचर टू कैश तो बाय फर्नीचर बाय फर्नीचर बाय फर्नीचर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड

ये देखो मैं यहाँ पर भी नोट्स में भी डाल के रखा हूँ देखो मिस्टर विकास का बन जाएगा वैभवी का बन जाएगा फर्नीचर का बन जाएगा सब में एक एक एंट्री पंजाब नेशनल बैंक का बन जाएगा रेंट का बन जाएगा मोटर कार का बन जाएगा लोन एवॉन फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी फीस सैलरी सैलरी पेबल इतने अकाउंट बनेगा सब में एक 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 ट्रांजेक्शन है और अकाउंट बहुत सारे बनेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है उससे बेटर है कि हम लोग वो कर लो जैसे देखो हम लोग कैश अकाउंट में लिखे थे टू वै बी तो यहाँ पर हम लोग बाय कैश लिखे ना पांच लाख का और फिर टू बैलेंस कैरिट डाउन हो गया बस जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ करते थे है ना बोलो हाँ तो इसको बात एक बार देख लेना और थोड़ा लेचर व्हाट इज डन इज दैट आफ्टर पोस्टिंग ऑल ट्रांजैक्शन टू द डिफरेंस बिटवीन डेबिट क्रेडिट इज कैलकुलेटेड यस वी ऑल नो ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको कहां ट्रांसफर कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहा गेन पीएनएल तो. में ट्रांसफर होता है ना एक्सपेंस एंड लॉस पीएनएल डेबिट चले जाते हैं चले जाते हैं। और उसको छोड़ के रियल और पर्सनल में क्या लिखते हैं टू बैलेंस और बैलेंस डाउन हाँ, ठीक brought... है तो ये चीज़ ध्यान में रखना ठीक है कि वो जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं और बाकी जो रियल और पर्सनल है उनका बैलेंस कैड डाउन डाउन आ जाता है ठीक है? सब्सिडेरी बुक से कैसे करते हैं कैश बुक के लिए कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक के लिए एंड सो लेट एसन इन दस्टेशन एट नाइन टेन द टोटल इंटरटिव लेजर अकाउंट्स ठीक है

टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑल एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस आता है ऑल लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आता है कैपिटल इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस आता है एक्सपेंस एंड लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस देता है इनकम एंड गेन हमेशा क्रेडिट बैलेंस देता है क्या हमको ये बात पहले से पता थी आ, तो अपने बुक को आ, बोलो तो बात पहले से पता थी क्योंकि तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है clear, तो आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स हमको देने की जरूरत नहीं है हमको ये चीजें आती है हाउ डस वन गो अबाउट टेस्टिंग दिस कंसिडर कैश अकाउंट वेन एवर बिजनेस रिसीव कैश वी डेबिट इट अरे वो प्रूफ दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंटिंग नॉमिनल अकाउंट इट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर उसके बाद टर्म्स और फिर यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग मतलब करना मतलब निकालना, carried down, carried down मतलब होता है डेबिट मतलब मतलब और क्रेडिट माइनस करके निकालना कैरी ओ oh मतलब कैरीड ओवर होता है और कैरिड फॉरवर्ड मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको लेके जाना जो ऊपर वाला था उसको

पर्सनल लेजर में दो ग्रुप है डेटर का और क्रेडिटर का क्योंकि डेटर और क्रेडिटर ही दो टाइप के होते हैं जो को शो करते हैं, है ना? लेजर वो होता है जो हर डिटेल शो करता है उसके बारे में जिससे हमने गुड परचेस किया है क्योंकि हमने जिससे गुड परचेस किया वो हमारा क्रेडिटर है और जिसको हमने बेचा है वो हमारा डेटर है इन पर्सनल लेजर भी डिवाइड कैश बुक और जर्नल लेजर तो कैश बुक वो होता है जहां पर सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन आते हैं और जनरल लेजर वो होता है जो ऑल दी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रियल नॉमिनल क्रेडिटर के सारे ट्रांजेक्शन में part, और ठीक है, तो के बारे में आएगा और नॉमिनल में इनकम गेंस और एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में आएगा तो वही सब बातें बार बार लिखिए हाँ बस ये खत्म हो गए ये चैप्टर एडवांटेजेस ऑफ सब ऑफ लेजर क्या है इजी टू डिवाइड वर्क easy to handle easy to collect information minimization of mistakes easy to compute fixation of responsibility बताओ इसमें से कुछ भी पॉइंट ऐसा है क्या जो समझाने लायक है पढ़ के नहीं समझ में आ रहा नहीं 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 है ना समझाने लायक समझ में आ गया ना हां वे हाँ yes. हाँ हा। तो इसमें बुक में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है अब हमको ट्रायल बैलेंस करना है तो दो मिनट चलो ट्रायल बैलेंस हमको करना है तो ट्रायल बैलेंस मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट टेकन फ्रॉम वेरियस लेजर बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू चेक द एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है अर्थमेटिकल चेक करने के लिए बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फॉर द अकाउंटेंट्स बाय एरिक एल कोहलर ठीक है इसका नाम तो तुम पहले कभी सुने ही हो एरिक एरिकल कोहलर ट्रायल बैलेंस इज डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स ऑफ द अकाउंट्स रेड लेजर पर्पज बिंग द डेटरिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड टू स्टेबलिश अमरी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो वही चीज बोल रहा है अल्टीमेटली सारे डेबिट्स को ट्रायल बैलेंस को लिखा जाता है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू रोलैंड भी एक डेफिनेशन दियाट एस प्रिपेयर दैलेंस फॉर द लेजर अकाउंट फ्रॉम इलास्ट्रेशन ये देखो एक ट्रायल बैलेंस तुमको दिया हुआ है ये देखो इससे तुमको समझ में आ जाएगा देखो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है डेबिट दिया है विकास कैपिटल क्रेडिट वैभवी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस फर्नीचर डेबिट बैलेंस पीपी नेशनल डेबिट बैलेंस सारे रियल और पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं ठीक है मतलब वो डेटर हो गया और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है सारी लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है सारे इनकम्स एंड इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है इतना हमको पता है रेंट अकाउंट एक्सपेंस है डेबिट मोटर कार एसेट है डेबिट लोन फ्रॉम एच एच लाइबिलिटी है सैलरी पेबल लाइबिलिटी है क्रेडिट हुआ ठीक है तो 21 ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखो दोनों साइड टोटल आ गया सारे लेजर अकाउंट बनाने के बाद ये बैलेंसेज आए थे उसको हमने लेजर अकाउंट में डाला

ये नहीं प्रूफ करता कि अकाउंट जो है वो एक्यूरेट है ठीक है ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है ये कोई भी दावा नहीं करता कि जो अकाउंट्स बने हैं जो अकाउंट्स बने वो सही हैं ठीक है इट इज नॉट एन अकाउंट इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इट इट इज इज अ अ पार्ट 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 नॉट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं है अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ये नहीं है ठीक है और उसके बाद इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बट इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम वेन रिक्वाइक वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ इली तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एंड भी बनाए हम लोग कभी भी इसको बना सकते हैं बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इट मे बी प्रिपेयर ऑन अ लूज शीट ऑफ पेपर अकाउंट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और निल बैलेंस

तो so, क्या ट्रायल बैलेंस इनडिस्पेंसिबल है ठीक है तो इट इज मीयर स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय अकाउंटेंट फॉर हिज ओन कन्वीनियंस इफ इट इज एग्री इट इज अट एटलीस्ट अर्थमेडिकल एक्यूरेसी हैज बीन डन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ एरर्स ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट बट इट्स प्रिपरेशन हेल्प अस टू फाइनलाइज द अकाउंट सिंह इट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट एज एन और डेट ठीक है तो बोल रहे कि नहीं फाइनल हम लोग ट्रायल बैलेंस के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि अकाउंट्स में एरर्स हो हो सकता है अकाउंट्स में एरर हो तो बस हम लोग अर्थमेटिकल चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस रिलाई कर सकते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे हैं? पहला है जर्नल फॉर्म और दूसरा है लेजर फॉर्म अगेन में आ सकती, इसलिए डाली गई है, है? तो जर्नल फॉर्म मतलब क्या होता है अकाउंट लेजर फोलियो ये सब ये सब ये सब ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ नेकाउंट लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस

अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है तो पहला है टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और दूसरा है बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस और तीसरा है कंपाउंड मेथड ठीक है तो तीन टाइप के मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के तो पहला है टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस तो बोल रहे अंडर दिस मेथड टू साइड्स ऑफ द अकाउंट्स आर टोटल द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज कॉल्ड द डेबिट टोटल एंड द इन क्रेडिट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट टोटल इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ अ पर्टिकुलर अकाउंट हैज टोटल इन वन साइड डेबिट कॉलम और क्रेडिट बैलेंस एज द केस मे बी तो अल्टीमेटली बोल रहा है, तुमको और का निकालना है और तुमको उसको डाल देना है ठीक है तो इन टोटल जबकि नेट बैलेंस बोलता है ऑल दी लेजर आइदर डेबिट और क्रेडिट और फिर उसको पोस्ट किया जाता है तो so उधर भाई टोटल ले लेते हैं डेबिट क्रेडिट का इधर इंडिविजुअल अकाउंट का डेबिट क्रेड निकालते हैं ठीक है दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेजर बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ठीक है तो लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ती यहां पर ठीक है डिसएडवांटेज क्या है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट नहीं दिखा सकते क्यों क्योंकि हम सीधा सबका डेबिट 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 प्लस करते गए क्रेडिट प्लस करते गए हम लोग किसी भी अकाउंट का बैलेंस वगैरह नहीं निकाले हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट को प्लस करते चले गए तो इस वजह से फाइनल अकाउंट हम नहीं बना सकते

इट सेव टाइम एंड लेबर इन कंस्ट्रक्टिंग ट्रायल बैलेंस ठीक है पर एरर में रिमेनोज इक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस ठीक है तो एर तो मिलेंगे ट्रायल बैलेंस ठीक है अब यहाँ पर बोल रहे हैं डेबिट भी लिखेंगे टोटल क्रेडिट भी लिखेंगे टोटल और फिर उसका डिफरेंस भी लिखेंगे अलग अलग से तो पहले डेबिट लिखेंगे क्रेडिट लिखेंगे फिर उसका डिफरेंस लिखेंगे मतलब टोटल अपना काम बढ़ाने वाला काम करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल समरी क्या डेबिट बैलेंस ऑल एसेट ड्रॉइंग्स डेटर एक्सपेंसिस और क्रेडिट बैलेंस और लाइबिलिटी कैपिटल क्रेटर गेन इनकम ठीक है तो वो बोल रहा है कि क्या डेबिट होता है उसका समरी दे रहा है और क्या क्रेडिट होता है उसका समरी दे रहा है तो बोलो इतनी बातें क्लियर हुई क्या बोलो ये देखो यहाँ पर भी इतनी बड़ी समरी तुमको दी हुई है ओहो सारे अकाउंट्स डाल दिया भाई सारे फिर स्टेशन है फिर एमसीक्यू है मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म इसके क्वेश्चन तुम लोग वैसे करके आओगे ठीक है तो फाइनली हम लोग लास्ट थ्योरी टॉपिक पढ़ते हैं हम क्लास वर्क करेंगे कर तुम लोग क्वेश्चन करके आओगे ठीक है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस यूटिलिटी और इंटरप्रिटेशन क्या है इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यस अ अटैली ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है कि अर्थमेटिकल है और इफ द ट्रायल बैलेंस ड नॉट द एरर्स कैन बी फाउंड एंड रेक्टिफाइड एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड तो कम से कम ट्रायल बैलेंस बनाने से ये तो पता चल जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ठीक है इट एक्ट क्विक रेफरेंस वन कैन इजीली फाइंड आउट द बैलेंस इन एनी लेजर अकाउंट विदाउट एक्चुअली रेफरिंग टू लेजर ओके तो ट्रायल ट्रायलेंस हम डायरेक्टली बैलेंस निकाल सकते हैं हमको लेजर अकाउंट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है और इफ द लिस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट इज डन इन द ट्रायल बैलेंस वन कैन डू क्विक टाइम एनालिसिस ठीक है तो अगर काम हुआ है तो भाई यहां पर हम लोग टाइम एनालिसिस बहुत क्विकली कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ट्रायल बैलेंस के हैंस लिस्टिंग इज यूजुअली डन इन द सीक्वेंस ऑफ एसेट अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट कैपिटल अकाउंट ओनर इक्विटी अकाउंट इनकम और गेन अकाउंट एक्सपेंस और लोन अकाउंट इन डेट ऑर्डर पर जनरली ऑर्डर की जरूरत हम लोग ट्रायल बैलेंस में ऑर्डर फॉलो नहीं करते जब हम बनाते हैं हम लोग जैसे अकाउंट मिलते जाते हैं फिर इनकम एंड गेन लिखो फिर लास्ट में एक्सपेंसिज एंड लॉसिस लिखो ठीक है पर ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है ठीक है यूजली डन लिखा है इसीलिए मैंडेटरी नहीं है ठीक है समझ में

फिर 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 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हाँ तो ये सब हम लोग करेंगे ठीक है तुम लोग अभी फिलहाल सिर्फ ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन तक करके आना जो कि है मैच द फॉलोइंग तक ठीक है कर लोगे बोलो हाँ भैया ओके भैया